5 सितंबर की सुबह सेक्टर 4 में पानी टंकी ढहने के मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सांसद विजय बघेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर जहां टंकी ढहने से लोगों के सामने पानी का संकट पैदा हो चुका है, वहीं दूसरी ओर लोगों की सेवा करने के बजाय सांसद सफाई कर फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि घटना दिनांक से ही नगर निगम द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर लोगों को साफ पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल बोर्ड के सदस्य होने के बाद भी बीएसपी टाउनशिप की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस दुर्ग जिले के सांसद जी का जो रवैया टंकी गिरने के मामले में रहा, वो बेहद निराशाजनक रहा। वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और उसके बावजूद जब उनको व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए, तो 10 मिनट एक पॉलिटिकल स्टंट करके यहाँ पर झाड़ू लगाकर निकल गए। ये ठग की भूमिका उन्होंने निभाई, जो जिस पर हमको आपत्ति है, उनको ठग नहीं बनना चाहिए। वो सांसद हैं, यहाँ के सांसद के रूप में उनको यहाँ पर बीएसपी प्रबंधन जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, उसमें चूंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और दुर्ग जिले के सांसद हैं, उसमें उनको कदम उठाना चाहिए और काम करना चाहिए। नगर प्रशासन के द्वारा, भिलाई नगर निगम के द्वारा सेक्टर 4 में टैंकर की व्यवस्था, बोर की व्यवस्था, वाटर एटीएम की व्यवस्था और आरओ प्लांट की व्यवस्था की गई है। घर घर पानी पहुंचाने के लिए लगभग 15,000 जार नगर निगम की तरफ से मंगाए जा रहे हैं। सेक्टर 5, सेक्टर 1, जहां जहां टंकियां का पानी रोका गया है, वहां पर आरओ नए प्लांट कल तक तैयार कर दिए जा रहे हैं। टैंकर से भी पानी देने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस समय सब चीज़ों में 1-5 मिनट का स्टंट कर सांसद जी निकल गए, जिनको यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ केंद्र सरकार के माध्यम से और ये PSU है, ये सेल बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे करनी थी। देखिए, हमारी BSP प्रबंधन से लगातार चर्चा चल रही है। हम ये चाहते हैं BSP प्रबंधन से कि वो स्थायी व्यवस्था भी करे। अभी पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे केवल और केवल कुछ एरिया में पानी पहुंचेगा और प्रेशर भी नहीं रहेगा। लेकिन पैरेलल व्यवस्था जो अस्थाई भी लोगों को देनी है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते तक तो टेस्टिंग पीरियड रहेगा कि हम उसके बाद रिजल्ट पे आएंगे कि कहां तक BSP पहुंच पा रहा है, कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन ये 1 हफ्ते की भी व्यवस्था में अगर BSP हाथ उठा देगा और बोलेगा उसके पास इसके लिए धन खर्च करने के लिए नहीं है, तो फिर इतना बड़ा प्लांट यहाँ के रहवासियों को अगर पानी पिलाने में भी वो कह देगा कि हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है, तो आपातकाल भूमिका कहाँ गई BSP की जो पहले होती थी। तो ये सब पे सवाल है और ये सब के अगर कोई जिम्मेदार हैं तो हमारे आदरणीय माननीय बहुत ही कर्मठ झाड़ू लगाने वाले सांसद जी हैं। देखिए, ये व्यवस्था अच्छी थी तभी तक, अभी तक कोई बात नहीं थी। जब व्यवस्था चरमराई है तभी तो ये आज बात हो रही है। ये अगर पहले से इसका विकल्प BSP ने तैयार किया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। आज ये परेशानी जो आई है 3 दिनों से, जो सेक्टर 4 में आई और आज सेक्टर 5 और 1 में आ रही है, अभी इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बाकी भी जो चीज़ें हैं उसको भी समय समय के हिसाब से किया जाएगा। हमारे जो साथी हैं वो लगातार ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके घरों तक, जैसे कल शाम को एक फ़ोन आया मेरे पास सड़क नंबर 32 4D से कि 2 लोग, कोई शुक्ला परिवार है, वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि हम लोग पानी भर के ऊपर नहीं ला सकते हैं। तो हमारे जो साथी सेक्टर 4 में थे उनको मैंने फ़ोन से सूचित किया, वो लोगों ने उनके घर जाके बाल्टी और जार के माध्यम से उनके घर में पानी पहुंचाया। ये सब व्यवस्था जो अचानक से वो हुआ है उसके कारण हो रहा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हर घर तक के, हर आदमी तक के हम लोग पेयजल और दैनिक उपयोग का जो पानी की जो व्यवस्था है उसको कर सकें।